गाइस अभी पठान आया ही नहीं कि उससे पहले मतलब ट्विटर पे जो कि मेढक गिड़गिड़ाने लगे और बहुत टर टर मतलब चिल्लाने लगे। बेसिकली गाइस बायकॉट पठान का ट्रेंड ऐसे ही मतलब चालू हो चुका है। बेसिकली गाइस जैसे कि कोई भी फिल्म आती है तो ये पूरा का पूरा गैंग आता है और बायकॉट मतलब ट्रेंड करने लगता है। अच्छी खासी मूवी को भी बायकॉट यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2022 के अंदर में। लेकिन गाइस जैसे कि अभी बेशरम रंग जो आया था दीपिका पादुकोण और जिसके अंदर मतलब शाहरुख खान की जो ये सॉन्ग था मतलब बेटर लगा था, एवरेज था, लेकिन फिर भी बोलूँगा कि बहुत अच्छा था गाइस। फिर भी जैसे कि मतलब पूरी स्पाई यूनिवर्स है तो उसमें सॉन्ग्स में उतने ज़्यादा मतलब नहीं ले सकते सॉन्ग, तो मतलब मैं एफोर्ड भी नहीं करता हूँ कि मतलब उस चीज़ों को कि इस सॉन्ग को कोई मतलब स्पाई टाइप की मूवी में आप डालो, लेकिन फिर भी बेटर बोल सकते हैं, एवरेज की तरफ ही था। तो जैसे कि बहुत सारे लोग क्या है कि अब बायकॉट ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन गाइस इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस बार शाहरुख खान ने पूरा कमर बांध के मतलब बॉलीवुड में हाथ जैसे कि जमा के पहले रखा था वैसे ही सिर्फ कमबैक किया है। तो गाइस उम्मीद तो पूरा है कि इस बार बहुत ही ज़्यादा 2023 के अंदर हाई क्रॉस कलेक्शन कर सकती है पठान। ये टटराने वाले किसी काम के नहीं आने वाले हैं। आपका क्या राय है, इन टटराने वालों को क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पठान हाई क्रॉस कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है, मुझे तो पूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि गाइस इस बार पठान बिल्कुल भी चुकने वाला नहीं है, सबकी बोलती बंद करेगा। तो आपका क्या राय है जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा गाइस आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं यह भी मेंशन करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।